हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इवेल्यूटिंग सप्लायर एफिशिएंसी, वेंडर रेटिंग, वेंडर सेलेक्शन एंड वेंडर डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वेंडर रेटिंग क्या होती है, वेंडर सेलेक्शन किस तरीके से होता है और वेंडर डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इवेल्यूटिंग सप्लायर एफिशिएंसी। इवेल्यूटिंग सप्लायर्स एफिशिएंसी इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ वेंडर मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स accessing suppliers based on various criteria to ensure their performance aligns with the company requirement and expectations. The process typically include vendor rating, selection and development. Friends, evaluating supplier efficiency जो है ये बहुत ही important है of vendor management for organization के लिए। इसमें involve होता है supplier accessing suppliers based, ये वेरियस क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि इंश्योर करे जाती है उसकी परफॉर्मेंस अलाइन करे कंपनी की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन से। जो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है और एक्सपेक्टेशन है, क्या वो सप्लायर उन सभी को फुलफिल कर सकता है या नहीं। इस प्रोसेस में टिपिकली इंक्लूड होता है वेंडर रेटिंग होती है, सिलेक्शन होता है और डेवलपमेंट होता है। तो अब इन तीनों को हम समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। वेंडर रेटिंग, वेंडर रेटिंग क्या होता है। वेंडर रेटिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड कंपेयरिंग सप्लायर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिफाइंड मैट्रिसेस। वेंडर रेटिंग में फ्रेंड्स इन्वॉल्व होता है मेजरिंग और कंपेयरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस। इसमें जो है मेजर करा जाता है और कंपेयर करा जाता है सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को, किससे, जो कि प्री डिफाइंड मैट्रिसेस होती हैं उनसे कंपेयर करा जाता है। दिस असाइनमेंट हेल्प डिटरमाइन देयर एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। ये करके रेटिंग मेजर करके ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में देयर एफिशिएंसी और उनकी क्या क्या रिलायबिलिटी है, कितने रिलायबल हैं वो और कितने एफिशिएंट हैं। द स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर रेटिंग सप्लायर मे वेरी बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंडस्ट्री। जो सप्लायर है उसकी रेटिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की और इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो चेंज हो सकती है। फैक्टर्स कंसिडर्ड इन वेंडर रेटिंग इंक्लूड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेंडर रेटिंग में ध्यान में रखे जाते हैं। नंबर वन है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक्सेसिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द सप्लायर इज एसेंशियल टू एंश्योर दे मीट द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की वो किस तरीके की है, जो सर्विस डिलीवर्ड हो रही है सप्लायर के द्वारा वो एंश्योर हो कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हैं और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन हैं उन सभी के वो लेवल का हो जिस तरीके के हमने स्टैंडर्ड रख रखे हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी परफॉर्मेंस। एवेल्यूएटिंग द सप्लायर्स एबिलिटी टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज ऑन टाइम एंड इन द रिक्वेस्टेड क्वांटिटी। जो डिलीवरी परफॉर्मेंस होता है इसमें जो है क्या करा जाता है, इवेल्युएट करा जाता है सप्लायर की एबिलिटी को। चेक करा जाएगा कि जो सप्लायर है इतना कैपेबल है जिस टाइम पर हमें सामान चाहिए उस टाइम दे सकता है या नहीं। और चलिए उस टाइम तो देगा, पर जितनी हमने क्वांटिटी करी ऑर्डर क्या उतनी वो फुलफिल कर सकता है टाइमली, इसको चेक करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉस्ट एंड प्राइसिंग। एनालाइजिंग द सप्लायर प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड एक्सेसिंग whether it align with the organization budget and market competitiveness. Cost and price, cost और price को भी ध्यान में रखा जाता है vendor rating में। आप देखिए जब analyze करेंगे supplier की pricing structure को, किस लिए करते हैं, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि वो हमारा organization है उसके budget में वो आ रहा है या नहीं। चलिए budget हमने बढ़ा दिया पर जो market में competitiveness है क्या हम उसको beat कर सकते हैं उससे इस price में product लेकर या नहीं, इसलिए हमें जो है cost and price पर भी ध्यान रखना होता है। Responsiveness and communication. Evaluating the supplier's communication skill, responsiveness to inquiries and ability to address concern promptly. कितना responsiveness और communication है, evaluate करा जाएगा supplier's communication skill, उसकी communication skills को communicate करा जाएगा, evaluate करेंगे कैसी उसकी communication skill है, उसका responsiveness to inquiry and उसकी ability to address concern promptly. Next है financial stability. Accessing the financial health and stability of the supplier to ensure their ability to fulfill long-term commitment. आप जो है जब supplier को select करेंगे तो उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि आप जो है उसकी financial health को भी check करें, क्या वो इतना capable है कि वो long-term हमारे
काम को कर सकता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर सकता है या नहीं। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर्ड होते हैं वेंडर रेटिंग। वेंडर सिलेक्शन, वेंडर सिलेक्शन क्या होता है? वेंडर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सप्लायर बेस्ड ऑन देयर रेटिंग एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर। वेंडर सिलेक्शन में इन्वॉल्व होता है सेलेक्ट करना मोस्ट सुटेबल सप्लायर किसके बेसिस पर, उसकी रेटिंग और अदर रेलिवेंट फैक्टर्स के बेसिस। पॉइंट वन, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट। क्लियरली डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिलीवरी टाइमलाइन, प्राइसिंग लिमिट एंड एनी अदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। डिफाइन करेंगे जब आप रिक्वायरमेंट, तो उसमें आप क्लियरली डिफाइन करें ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग किस क्वालिटी स्टैंडर्ड का सामान चाहिए, डिलीवरी कब चाहिए, टाइमलाइन क्या क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग लिमिट क्या है और जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो सभी आपको डिफाइन करनी है। नेक्स्ट है इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP। इशू एन RFP टू पोटेंशियल सप्लायर्स विच आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड इनवाइट देम टू सबमिट प्रपोजल। इसमें जो है आप सभी अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट वगैरह सब बता देंगे, तो आप जो है सब सप्लायर के पास भेजेंगे, फिर उसके बाद उन्हें इनवाइट करेंगे कि वो अपना अपना प्रपोजल दें कि वो किस कितने रुपए में ये काम हमारा कर सकते हैं। सप्लायर नेगोशिएशन, सप्लायर नेगोशिएशन में क्या होता है? एंगेजिंग इन नेगोशिएशन विद सब शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर, जो हमने शॉर्ट लिस्ट करे सप्लायर उनके साथ में हम जो है नेगोशिएट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे टर्म एंड कंडीशन, प्राइस क्या रहेगा और अदर एस्पेक्ट। जो जो हमने सप्लायर सेलेक्ट करे शॉर्ट लिस्ट करे उन सभी से एक प्रपोजल मांगा, जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो कितने में करेंगे। सभी जो हमने सेलेक्ट करे हैं उनसे हम नेगोशिएट करेंगे कि हमें इस प्राइस में इतने प्राइस में चाहिए, क्या क्या हमारी कंडीशन है, जो हमारे लिए तैयार होगा हम उससे अपनी डील कंफर्म करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, फॉर्मुलाइज द रिलेशनशिप विद सेलेक्टेड सप्लायर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट आउटलाइन द एग्रीड अपॉन टर्म। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ये फॉर्मुलाइज कर देता है रिलेशनशिप विद सेलेक्टेड सप्लायर किसके थ्रू, थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट दैट आउटलाइन द एग्रीड अपॉन टर्म। वेंडर डेवलपमेंट, वेंडर डेवलपमेंट क्या होता है? वेंडर डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एनहेंसिंग सप्लायर कैपेबिलिटीज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। वेंडर डेवलपमेंट में जो है फोकस्ड होता है किसमें, एनहेंस करने पर सप्लायर की कैपेबिलिटीज, किस लिए, इम्प्रूव करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी और एफिशिएंसी को। कोलेबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिश्ड ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद सप्लायर, फोस्टर ए कोलेबोरेटिव रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट। जो आपका सप्लायर है आप उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे, क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से हम उसको दूर कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सभी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी इश्यू है और आपका जो रिलेशनशिप है सप्लायर से वो भी अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू सप्लायर्स हेल्प एनहेंसिंग देयर स्किल नॉलेज एंड प्रोसेसेस। प्रोवाइड करें आप अपने नेसेसरी ट्रेनिंग और सपोर्ट किसको, सप्लायर को, जिससे कि एनहेंस हो सके उसकी स्किल नॉलेज और प्रोसेसेस। परफॉर्मेंस फीडबैक, परफॉर्मेंस फीडबैक में क्या होगा, रेगुलरली प्रोवाइड फीडबैक टू सप्लायर ऑन देयर परफॉर्मेंस। आप जो है रेगुलरली प्रोवाइड करें फीडबैक सप्लायर को उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड सजेस्ट एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, आप हाईलाइट करें क्या क्या उसकी जो है स्ट्रेंथ है और कहां किस एरिया में उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एनकरेज सप्लायर टू अडॉप्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, एग्जांपल इंक्लूड लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, आप एनकरेज करें अपने सप्लायर को कि वो अडॉप्ट करे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद सप्लायर बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। रिलेशनशिप बिल्डिंग में जो है आपको जो है पार्टनरशिप करेंगे जब आप सप्लायर के साथ, तो आपका जो है ये किस पर होता है रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत, ये ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर। एम होता है इसका म्यूचुअल बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसको बार बार अपना सप्लायर चेंज करना पड़े और सप्लायर भी नहीं चाहेगा कि उसको बार बार सर्च करना पड़े नई कंपनी। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है दोनों का तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों को मिलेगी, कंपनी को बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा और जो सप्लायर है उसका जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर बेसिस पर कंपनी में जाता रहेगा, उसको भी बेनिफिट और कंपनी को भी बेनिफिट। ये होता है वेंडर डेवलपमेंट।